सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। भैया, हम इस स्लाइड को कल डिस्कस कर रहे थे। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सुनील भैया, नमस्ते सभी को। तो कल जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे उससे अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग मैं में कल्पनाशीलता में जो तुलना और विश्लेषण की क्रिया है उसमें दृष्टियों को लेकर बात किए थे कि चिंतन बोध अनुभव के अभाव में तुलन किस प्रकार से होता है, और आगे उस पर बात करेंगे कि चिंतन बोध अनुभव के साथ किस प्रकार से होता है। उसी क्रम में हम लोगों ने प्रिय हित लाभ तीन दृष्टियों को लेकर बात की थी, और उसमें कुछ असाइनमेंट भी लिए थे कि हमको देखना है कि अभी हमारे अंदर जो विचार चलता है उसके केंद्र में प्रिय हित या लाभ की दृष्टि होती है या न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि होती है। और उसमें एक साथ में असाइनमेंट ये भी लिया था कि अभी हमारी न्याय के प्रति कैसी निष्ठा है उसको अपने आप में मूल्यांकित करना है। किसी भी संबंध में न्याय को सुनिश्चित करने में मैं कितना विचार कर पाता हूँ, कितना उसके लिए मैं प्रयास कर पाता हूँ, इसको अपने आप में मूल्यांकित करना है। आप पाएंगे कि शब्द तो हम तक पहुंच जाते हैं कि हाँ, प्रिय हित और लाभ की दृष्टि से सुख की निरंतरता नहीं है, न्याय धर्म सत्य से है, परंतु क्या विचार में भी मैं न्याय का विचार कर पाता हूँ? अभी धर्म और सत्य पे और आगे बात करेंगे, परंतु क्या मैं न्याय का विचार कर पाता हूँ? किसी एक संबंध में भी क्या मैं न्याय के प्रति निष्ठावान हो पाता हूँ? किस संबंध में मुझे न्याय करना है, उस संबंध में है ना, ऐसा हमें लग सकता है कि संबंध का भाव बना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है विरोध का भाव बना हुआ है, परंतु न्याय के प्रति निष्ठा बनी हुई है कि नहीं? संबंध का भाव भी बना हुआ है परंतु हो सकता है मैं अपना अधिमूल्यन कर रहा हूँ, दूसरा अपना अवमूल्यन कर रहा है, संबंध चल जाता है परंतु न्याय तो नहीं हुआ ना। मेरी कुछ गहरी मान्यताएं हैं, कुछ गहरे संस्कार हैं जिसको अगले व्यक्ति ने स्वीकार लिया है कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसके साथ ऐसे ही एडजस्ट कर लो और संबंध चल जा रहा है, परंतु ये न्याय नहीं हुआ। तो हम अपने आप में ये भी देखें कि कम से कम विचार में हम न्याय का विचार भी कर पा रहे हैं कि नहीं। इसको कल लेकर हम लोगों ने असाइनमेंट लिया था, इस पर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई है ना शंका हो, कोई क्लैरिटी हो चाहिए हो तो उस पर बात कर सकते हैं। अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी नमस्ते भैया, एम आई ऑडिबल भैया? जी ऑडिबल। जी भैया, भैया ये सब्जेक्ट में एज ए एक्सपेरिमेंट भी है, तो इस पर जब एक्सप्लोरेशन किया तो ये क्वेश्चन बना था, हम जो भी फिजिकल फैसिलिटीज हम यूज कर रहे हैं उसके साथ में हम एक सीक्वेंस अप्लाई कर सकते हैं जिसकी कल बात भी चल रही थी, नेसेसरी एंड टेस्टफुल, देन इट बिकम्स अननेसेसरी एंड टेस्टफुल, देन अननेसेसरी एंड इनटॉलरेबल। यस भैया, तो भैया ये अगर हम अप्लाई करते हैं सभी फिजिकल फैसिलिटीज पर, तो जो खाने पीने की चीजें हैं उस पर तो ये सीक्वेंस हम देख पाते हैं, लेकिन जैसे आज मोबाइल इसका एक यूज है तो ये कभी भी इनटॉलरेबल नहीं होगा। हाँ, अनावश्यक यूज है वो बनेगा, लेकिन जब हम इसको किसी उपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए काम में ले रहे हैं तो नेसेसिटी इसकी बनी रहेगी। या और भी कई सारी जो फिजिकल फैसिलिटीज, कार है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, इनकी नेसेसिटी तो बनी रहती है। ओवर यूज अगर है तो इनटॉलरेबल है, बट हम नहीं कह सकते किसी भी स्टेज पे जाके कि ये अननेसेसरी। खाने पीने की चीजों में फिर भी थोड़ा अप्लाई होता है भैया। देखिए खाने पीने की चीजों एग्जांपल्स, जब हम एग्जांपल्स लेके इसको एग्जांपल्स लेके इसको एक्सप्लोर कर रहे थे तो कई सारे क्वेश्चन आ गए थे। जी जी, आपका प्रश्न क्लियर हो गया, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो आवश्यकता तो बनी रहती है, जब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो एक समय के बाद असहनीय हो जाता है। जैसे मोबाइल ही है, उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं है ना, मोबाइल लेकर सुबह से बैठ गए और दिन भर मोबाइल पे है, एक समय के बाद इनटॉलरेबल हो जाएगा। वो तो दुरुपयोग हो गया। मकान बना रहे हैं, मकान की आवश्यकता बनी रहती है, ठीक है, बट यदि मकान के किसी कमरे में हमको बने रहना पड़े तो एक समय के बाद असहनीय हो जाता है। तो भोजन में भी, भोजन अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो एक समय के बाद असहनीय हो जाता है, भोजन की आवश्यकता बनी रहती है। आप जब लगातार कंज्यूम,
जी भैया, एट ए टाइम कंज्यूमिंग अगर बढ़ रही है जो कि रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा, सदुपयोग से ज्यादा अगर है तो वो इनटॉलरेबल होता है। ऐसा ही है ना भैया? हाँ, तो आवश्यकता तो सारी सुविधाओं की बनी रहती है, परंतु जब आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं एक समय के बाद आवश्यकता आपकी पूरी हो जाती है, फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं तो असहनीय हो जाता है। वही मोबाइल में है, वही गाड़ी में है, वही घर में है, वही भोजन में है, और आप पाएंगे कि वो जो भी हम शरीर से एक्सप्रेशन कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन में भी है। जैसे आप किसी से मिले, वो आपसे गले मिले, है ना, बहुत सालों बाद मिले, आपसे गले मिला तो आपको आवश्यक भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है गले मिलकर, बट वो गले मिले और गला छोड़े नहीं तो असहनीय हो जाएगा। जी भैया, तो असहनीय हो जाएगा। तो जो भी हम शरीर से या सुविधा से कर रहे हैं जहाँ जड़ शामिल है वहाँ असहनीयता है, परंतु आनंद की स्थिति में है इसलिए असहनीयता नहीं है। हमें व्यवस्था का भाव दिख रहा है उसके साथ मैं आनंद की स्थिति में हूँ, वो कभी असहनीय नहीं होगा। ठीक बात, ठीक है, ठीक ठीक बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ भैया, मेरा इसी में ही क्वेश्चन था। जब ये परिचय शिविर में भी ये टॉपिक पढ़ा आया था तो सबसे पहले दिमाग में यही आया था कि पंखे के नीचे हम बैठे रहते हैं वो तो वो भी सुविधा का ही पार्ट है, पर वो कहीं किसी पॉइंट पे जाके असहनीय नहीं होता, पंखा कूलर या ऐसा कुछ भी। क्या बात कर रहे हैं, अभी आप बैठ के देखिए, आप कूलर के सामने बैठे रहिए, थोड़ी देर में छींक आना शुरू हो जाएगा। आप पंखे के नीचे बैठे रहिए, है ना, एक समय के बाद अगर पंखा ठीक से चल रहा है और आपकी गर्मी मिटाने की आवश्यकता पूरी हो गई है उसके बाद असहनीय हो जाएगा। तो हम पंखे के नीचे बैठे हुए पंखा बंद भी करते हैं, कूलर भी बंद करते हैं, एसी भी बंद करते हैं। अगर एसी कमरे में दिन भर रहना पड़े तो हम निकल के बाहर टहलने लगते हैं कि बहुत हो गया, बहुत ठंडा कर रहा है कि नहीं। नहीं भैया, एसी और कूलर में तो मतलब एसी में तो मैं इतनी ज्यादा नहीं रही, पर हाँ कूलर में भी ज्यादा नहीं बैठ सकते, पर पंखा तो 24 आवर्स चलता है घर में। अभी आप गर्मी में चलाना शुरू करिए, देखिए ठंड के मौसम में क्या हालत होती है। 24 आवर्स चलाइए, 365 डे चलाइए, एक समय के बाद ऐसा नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है भैया, बढ़िया। इनफैक्ट ये भी कई बार बताते हैं ना कि बिल्कुल पंखे के नीचे अगर आप बैठे हुए हैं और पूरे समय बैठे हुए हैं वो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो आपको हवा की आवश्यकता है, शरीर के तापमान को बनाए रखने की आवश्यकता है, वहां तक ठीक है, ठीक। परंतु जब कोई सुविधा का भोग करके उसको पूरा करने जा रहे हैं तो सुविधा के भोग तो एक समय के बाद असहनीय हो जाएगा। तो शरीर का तापमान बना रहे ये ठीक है, निश्चित तापमान बना रहे, बट बाहर ऋतु परिवर्तन हो रहा है। दिन भर में भी आप टेम्परेचर देखें तो कितना वेरिएशन होता है। आप पंखा चला के सोइए तो रात को तो गर्मी लग रही है 9-10 बजे, और यदि आप खिड़की खोल कर सो रहे हैं, बाहर की ठंडी हवा को घर में आने दे रहे हैं, 2 बजे के बाद ठंड लगने लगती है ना। जनरली लोग 2 बजे के बाद, 3 बजे, 4 बजे कोई लिहाफ कोई चादर ओढ़ लेते हैं, होता कि नहीं? बढ़िया। हाँ भैया। जी भैया, जी भैया, इसे पिछली स्लाइड एक बार लगा दीजिएगा। जी, तो सेंसेशन से जब हम हैप्पीनेस डिराइव करने जाते हैं उसमें ये क्रम दिखाई देता है जिस पर अभी चर्चा हुई। कोई बहुत ही रासायनिक वस्तु है, उसका शरीर से संपर्क हो रहा है, उससे कोई संवेदना उत्पन्न हो रही है, उसको मैं टेस्ट करता हूँ। अगर टेस्ट फेवरेबल होता है तो हैप्पी फील करता हूँ, अदरवाइज अनहैप्पी फील करता हूँ। परंतु इन दोनों ही केसेस में दिखाई देता है कि टेम्पररीनेस है, जो उससे मुझे सुख लग रहा है वो भी टेम्पररी है, जो दुख लग रहा है वो भी टेम्पररी है। इनफैक्ट यहाँ पे आप पाएंगे कि जो मिसिंग लिंक है, जो हम नहीं देख पाते अपने आप में, वो था जो मैं उसका अर्थ देता हूँ, उसी संवेदना को मैं एक प्रकार से अर्थ देता हूँ तो मुझे लगता है कि सुख मिल रहा है। उसी स्थिति परिस्थिति में मैं दूसरे प्रकार से अर्थ देता हूँ तो लगता है कि दुख मिल रहा है। तो आपने किसी को कहा कि भाई पंखा चला दो, गर्मी लग रही है, ठीक, उसने नहीं चलाया और उसके बदले फिर किसी और ने आकर चलाया, पंखा तो चल गया, बट आपको इस बात का दुख रहा कि आपकी बात नहीं मानी गई
पंखा चला संवेदना मिली, बट आपने जो अर्थ दिया आप कहते नहीं पंखा चलाएगा तो वही व्यक्ति चलाएगा, मैंने उसको कहा था, अब आप पंखा ऑफ कर देते हैं या निकल जाते हैं। ऐसी स्थितियां कई बार है ना, या परिस्थितियां बन सकती है, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, संवेदना मिल रही है, परंतु आपके द्वारा दिया गया अर्थ बदल गया, या किसी ने बता दिया भाई बिजली का बिल पिछली बार डबल हो गया है, अब वही पंखे से जो संवेदना मिल रही थी अब आपको याद आने लगी, देखो इस बार फिर डबल ना हो जाए एसी या कूलर, और फिर आप उसको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमको सामयिक रूप से मिल रहा है संवेदना से उपलब्धि हो उसका जो सुख है वो जो सुख मिल रहा है वो आप पाएंगे टेम्पररी है, उसी तरह से दुख भी है तो दुख को भी आप पाएंगे कि जो दुख मिलता है हमें टेम्पररी मिलता है। और वहां पे मैं अर्थ दे रहा हूँ, कोई मैं अर्थ को अगर बदल दूं तो उससे जो स्थिति मेरे अंदर बनेगी वो भी बदल जाता है। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। इसलिए दिखता है कि ये कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का सोर्स नहीं हो सकता। जी चिंतन की क्रिया क्रमशः जागृत होती है, जैसे जैसे हमको भाव स्पष्ट होते हैं वैसे वैसे उनका चिंतन हो पाता है। एक क्षण में संपूर्ण भाव का चिंतन हो जाए, संबंध का भी, व्यवस्था का भी, सहस्तित्व का भी, ऐसा नहीं होता, सहस्तित्व का भी ऐसा नहीं होता, तो चिंतन क्रिया क्रमशः जागृत होती है। तो सेंसेशन को अगर देखें तो एक निश्चित रोल है जो कल भी हमने डिस्कस किया था, एक तो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है, दूसरा जो हम संवाद कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर चिंतन बोध अनुभव को जागृत करने के लिए, ज्ञान के लिए, समाधान के लिए, मुख्य रूप से रोल देखें तो वही है। तो पशुओं में देखें तो जो संवेदना है वो नियंत्रित रहती है, हेल्थ के अर्थ में, स्वास्थ्य के अर्थ में, पशु उतना ही भोजन लेता है जितना उसके शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है, आवश्यक होता है। मनुष्य के केस में देखें तो अनियंत्रित हो जाते हैं, है ना, परंतु यदि हम इसका सदुपयोग कर पाए, जो सिर्फ समय के समझ के साथ होता है, अगर हम इसका सदुपयोग कर पाए तो उसके साथ आप पाएंगे फिर संवेदना का एक निश्चित रोल है, इसको हम पूरा कर पाते हैं। तो क्या रोल है, तो एक तो अगर हम शरीर को देखें तो एक तो कम्युनिकेशन के लिए, आपस में संवाद करने के लिए, दूसरा शेष प्रकृति पर श्रम करने के लिए जिससे हम आवश्यक सुविधा का उत्पादन कर पाए, और तीसरा मानव परंपरा को बनाए रखने के लिए, ना दो प्रजनन की क्रिया है उसके लिए, ये तीन प्रकार की भागीदारी दिखाई देती है। इस अर्थ में मैं शरीर को स्वस्थ बनाए रखता हूँ, इस अर्थ में मैं शरीर के लिए आवश्यक सुविधा को जुटा के रखता हूँ, उसके लिए मैं उत्पादन करता हूँ, प्रकृति पे श्रम करता हूँ। जी तो यदि तुलन की क्रिया को देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि यदि चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत हो गई है तो हमें संबंध दिखाई देता है, व्यवस्था दिखाई देती है, सहस्तित्व दिखाई देती है, दिखाई देता है, और फिर हम उसमें संबंध के चिंतन के साथ संबंध पूर्वक जीने के लिए हम निर्णय कर पाते हैं, व्यवस्था के बोध के साथ व्यवस्था पूर्वक जीने का निर्णय कर पाते हैं, सहस्तित्व के अनुभव के साथ सहस्तित्व को प्रमाणित करने का निर्णय कर पाते हैं। तो उससे जो तुलन की दृष्टियां थी प्रिय की, हित की, लाभ की, वो नियंत्रित होती है। तो जो प्रिय की दृष्टि है इसको देखें तो अब वो शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में नियंत्रित हो जाता है, दूसरों के साथ सही समझ सही भाव के अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। वैसे जो हित की दृष्टि है वो स्वास्थ्य के अर्थ में नियंत्रित हो जाता है, और जो लाभ की दृष्टि है वो सुविधा के सदुपयोग के लिए, न्याय के लिए नियंत्रित हो जाता है। तो ये भी आपको दिखाई दिया कि हम में से हर व्यक्ति का शरीर कुछ बनावट होती है, तो हमें अपने शरीर की प्रवृत्तियों को पहचानने की जरूरत होती है, उस प्रवृत्ति को पहचान कर उस अनुकूल संवेदना का या उस संवेदना का मैं सदुपयोग करता हूँ। तो मैं विश्लेषण अभी भी करता हूँ, अभी भी हो सकता है एक ही ऋतु में अलग अलग तरह का भोजन अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग आयु के हिसाब से, है ना, अलग अलग अवस्था में जरूरत पड़े, तो जो हमको संवेदना मिलती है उसके सदुपयोग से हम ये तय कर पाते हैं। तो जो प्रिय की दृष्टि है ना वो प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो जाता है, और उससे हम शरीर के लिए आवश्यक सुविधा का सही सही चयन कर पाते हैं। वैसे जो हित की दृष्टि है जहां हम अधिक से अधिक कंज्यूम करके, भोग करके,
सुखी होने में लगे हुए थे, अब वो स्वास्थ्य के अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। तो शरीर को कैसा भोजन देना है, कैसे संरक्षित करना है ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। वैसे जो लाभ की दृष्टि है, जहां हम सुविधा केंद्र में रख के दूसरे का शोषण करने को तैयार थे, संघर्ष करने को तैयार थे, दूसरे पे दमन शासन करने को तैयार थे कि मुझे लाभ मिलता रहे, मेरा लाभ बढ़ता रहे, उसके स्थान पर अब हम न्याय को देखते हैं, उसके स्थान पर हम सुविधा के सदुपयोग को देखते हैं। इतना सारा सुविधा संग्रह करके मैं क्या करूंगा जिसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप ठीक से देखिए कि अगर किसी ने बहुत सारा सुविधा संग्रह किया, आपसे पूछिए इसे क्या उपलब्धि है, तो अधिक से अधिक वो यही कहेगा कि मैं सुखी हूँ, है ना। आप कहिए कि मैं भी सुखी हूँ, तो अल्टीमेटली क्वालिटेटिव मामला इतना है कि सुखी है कि नहीं, तो मैं भी सुखी हूँ, आप भी सुखी हैं। तो ये सुविधा को लेकर हम प्रभावित होते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कई बार सुविधा को तो देखते हैं, उसका जो एंड आउटकम नहीं देखते। ये भी हो सकता है उतना सुविधा संग्रह करके वो सुखी नहीं है और हम सुखी हैं, है ना, बिना उतना सुविधा संग्रह किए हुए। तो एंड आउटकम हमको दिखाई देता है। अभी हम प्रभावित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम या तो संवेदना को उपलब्धि मान लेते हैं या सुविधा को उपलब्धि मान लेते हैं, और इसलिए हम प्रभावित हो जाते हैं। परंतु जब न्याय धर्म दृष्टि के साथ देखते हैं, न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि के साथ, कि प्रेहित लाभ की दृष्टियां अपने आप नियंत्रित रहती हैं, हमारा जो विचार है उसमें शांति होती है, उथल पुथल नहीं होती जी। इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि आशा के स्तर पर, यानी चयन आस्वादन के स्तर पर रूप का स्वादन करते हैं, रूप का पता चलता है। विचार के स्तर पर, तुलन विश्लेषण के स्तर पर गुण का पता चलता है। चिंतन के स्तर पर स्वभाव का पता चलता है। बोध के स्तर पर सत्य यानी धर्म का पता चलता है, और अनुभव के स्तर पर सत्य दिखाई देता है जी। नमस्कार भैया। हेलो जी। नमस्कार भैया, मेरा एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे अभी बात आई कि सुख सुविधाओं वाली बात है, तो जैसे किसी के पास बहुत धन सेठ है, और अगर उसको कभी इस तरह की बातें की जाती हैं कि भाई इससे हम भी सुखी हैं, आप भी सुखी हो, जैसे ये प्रश्न आता है, तो उनका अधिकतर रोल होता है कि मेरे पास सुख इतना है कि मैं दुनिया घूम सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। उनके पास सही उत्तर नहीं होता, लेकिन वो इसी तरह की बातें करके औरों को अप्रिशिएट करते रहते कि दूसरे भी इनकी दुनिया में जीते रहे, समझ के लिए तैयार नहीं होते। इन लोग अपने पैसे का उपयोग जो है वो विविध तरीके से बताते हैं कि कल हम बीमार पड़ेंगे तो विदेश इलाज कराने जा सकते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, वही सरकारी अस्पताल में मर जाएंगे। तो इस तरह के उनके भय जो रहते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, तो इनका सही क्या मतलब कहा जाना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जी। तो ये दुनिया घूम कर क्या मिला ये पूछा जा सकता है, तो सुख मिला तो ऐसे भी मिल सकता है। अल्टीमेटली दुनिया घूमने में क्या उपलब्धि है, आपको संवेदना मिली, कोई नए नए दृश्य देखने को मिले, ठीक, उसकी उपलब्धि अधिक से अधिक क्या हो सकती है कि आप सुखी हुए, परंतु निरंतर तब भी नहीं हो सकता। तो हमको ये दिखाई दे कि अल्टीमेटली अचीवमेंट तो निरंतर सुख में है। तो सामयिक रूप से जो हम लेते रहते हैं ये तो सिर्फ एक सूचना है, उससे सुखी होंगे नहीं होंगे कोई निश्चित नहीं है। विदेश घूमने गए, जिनके साथ घूमने गए उनके साथ झगड़ा हो गया तो सुख चला गया कि नहीं जी। वैसे ही अगर देखें ये जो इलाज कराने की बात है, तो कोई हमारी ऐसी स्थिति हो कि अपने शरीर का हम ध्यान न रख पाए, स्वस्थ न रख पाए, तो ये तो ठीक नहीं है, है ना। परंतु शरीर का इलाज कराने के लिए हम सुविधा ढेर सारा जुटाएं, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। शरीर को स्वस्थ कैसे रखना हमको दिखाई दे, ये दिखाई देता है संयम के भाव के साथ हम जीते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है सहज रूप से। और आज के दिन भी आप देखें तो ये जो बड़ी बीमारियां हो रही हैं वो ऐसे नहीं हो रही, या तो तनाव परेशानी चिंता ज्यादा है कभी हो रही है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, या फिर खान पान रहन सहन ठीक नहीं है तभी हो रही है, अदरवाइज बड़ी बीमारियां भी क्यों होंगी। और यदि बहुत बड़ी बीमारी हो गई और शरीर को किसी तरह खींच तान रहे हैं, बेहतर है कि फिर है ना ड्रॉप किया जाए, क्योंकि शरीर एक साधन के रूप में भी ठीक से काम नहीं कर रहा। तब इस तरह के बहुत सारे आशंकाओं को पालते हुए हम सुविधा संग्रह के लिए बहुत सारा तर्क जुटा के रखते हैं जी। जी जी। तो क्या उपलब्धि हो सकती है, सुख समृद्धि है ना, और स्वास्थ्य समृद्धि का एक भाग हुआ वो जो कि शरीर के लिए आवश्यक सुविधा जुटा पा रहे हैं, तो इतना ही हो सकता है। इन तीनों को लेकर अभी सुविधा संग्रह हो रहा है। तो सुख के लिए कहते हैं अनुकूल संवेदना मिलेगी,
ठीक है ना। समृद्धि मतलब कभी कोई घटना होगी तो हमारे पास अभाव नहीं होगा, उसको पूरा कर लेंगे और शरीर को स्वस्थ बना के रखेंगे। बट इसको करने के क्रम में अभी समझते नहीं है तो संबंधों में हम कितना सारा दुख भोगते हैं, कितना सारा अव्यवस्था फैलाते हैं, इसके लिए हमारी परेशानियां बढ़ती हैं। तो अभी हम संबंधों में इतना सारा दुख झेल रहे हैं, है ना, सुविधा संग्रह करने के लिए, क्योंकि ना तो सुख समझ में आया, ना समृद्धि समझ में आया, ना स्वास्थ्य समझ में आया, इतना सारा हम दुख भोग रहे हैं उसके लिए संबंधों में, है ना। इतना सारा जो संग्रह कर रहे हैं कि हम विदेश घूम के आ सकें, ये कर पाए, तो बहुत सारे संबंधों में जो न्याय करने की आवश्यकता है उसको हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अभी आप कई घरों में आप देखेंगे खूब सारा सुविधा संग्रह किए हुए, परंतु जो लोग कर्मचारी के रूप में वहां काम कर रहे हैं उनके साथ, है ना, अभद्र व्यवहार करना, उनके पैसे कम देना, पैसा काट लेना, कि नहीं, ढेर सारी चीजें करते रहते, ये तो रोज ही देख पा रहता हूँ मैं। जी जी, अभी मैं साइकिल में हवा भराने गया कहीं पर, साइकिल पंचर हो गया था, पंचर बनवाने गया, तो एक सज्जन आए अपने, है ना, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर के साथ, और उसके बाद उन्होंने अपने दोनों बच्चों के साइकिल में हवा भरवाई, चल दिए। तो हमने कहा कि उन्होंने आपको पैसे क्यों नहीं दिए हवा भराने के लिए, तो बेचारा रोने गाने लगा कि देखिए लोग ऐसे ही करते हैं, है ना, इतने बड़े अट्टालिका में रहते हैं, इतने बड़े मकान में रहते हैं और हमें 10 रुपया हवा भराने को नहीं देते। तो संबंध में न्याय तो नहीं हुआ ना, दृष्टि तो लाभ की रही, विनिमय तो ठीक नहीं हुआ। और फिर वो बहुत सारी बातें बताने लगा कि देखिए इनके परिवार में क्या क्या समस्याएं रही है, मैं सब जानता हूँ, ऐसा है वैसा है। तो सुविधा तो हमने ढेर सारा संग्रह कर लिया, परंतु न्याय कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, है ना, समृद्धि का भाव है नहीं है, सुख है नहीं है, तो ये कठिनाई तो हो सकती है। जी भैया, धन्यवाद भैया। बढ़िया भैया जी, भैया नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया मेरा एक क्वेश्चन था कि कभी कभी जैसे हम प्री कंडीशनिंग में इतने ज्यादा चले जाते हैं कि हम उस रिलेशनशिप में, मतलब जहाँ, मतलब उस चीज को सोच के कि हाँ ये मान्यता में, तो रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसे, मतलब वो हो जाती है कि जस्टिस नहीं कर पाते हैं। तो फिर भैया इस स्थिति से फिर मतलब कैसे हम मतलब निकले? जी वही तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमको अगर स्वभाव का चिंतन हो पाए, संबंध स्पष्ट हो पाए, तभी तो न्याय कर पाएंगे। तो एक्सप्रेशन में दिख रहा है कि न्याय नहीं हुआ, बट उसके अंदर हम जाकर देखें कि न्याय क्यों नहीं हुआ, तो विचार में न्याय का विचार पूरा नहीं हुआ, है ना, न्याय के लिए जो भाव सुनिश्चित होने थे भाव सुनिश्चित नहीं हुए, जो व्यवस्था में भागीदारी थी वो नहीं दिख रही है, तो उस कारण से न्याय नहीं हो पा रहा। तो हम फिर वहां पे अपने ऊपर काम करेंगे। तो ये मान्यता, मतलब मान्यता कभी कभी इतनी ज्यादा वो हो जाती है, प्रगाढ़ हो रहती है कि हमारे अंदर की, हम उस चीज से निकल ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए फिर उस चीज को देखना है कि मान्यता, मतलब जान के फिर उस रिलेशनशिप में उसके फीलिंग को देख के फिर हम जस्टिस कर सकते हैं भैया, यही है। हाँ, अभी जैसे हम लोग मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, यही करने काम, उसमें देखिए तो अभ्यास एक और दो जो हम लोगों ने किया उसमें क्या कर रहे हैं, अगर इसके फाइव को देखें तो अपने मान्यताओं को, अपने संस्कारों को देख रहे हैं। जी भैया, जी भैया। तो ये जो सेशन है उसके लिए तैयारी है, अल्टीमेटली मुद्दा तो ये है, अगर आप इतिहास में जितने भी दर्शन हुए है ना उन सबको देखें तो अल्टीमेटली इतनी बात कर रहे हैं कि चित्त जो है विकारों से मुक्त हो जाए, निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, इतनी तो बात हो रही है ना, कुसंस्कारों से मुक्त हो जाए, गलत संस्कारों की निर्जरा हो जाए, इतनी बात कर रहे हैं, हर एक दर्शन में यही कह रहे हैं, वही करने काम है, उसी में सुख है। जी भैया, धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी। हाँ भैया नमस्ते। भैया मेरा सवाल है घटना के ऊपर है, तो घटना ऐसे कि हम कपड़े खरीदने गए तो वाइफ ने ना वाइट कपड़े खरीदने से मना कर दिया, तो बिटिया भी थी मेरी, तो बिटिया का सवाल ये था कि वाइट कपड़े क्यों नहीं खरीदते हैं, तो उसको मैंने समझाया कि भाई रूढ़ीवादी परंपरा है और इससे लोग डरते हैं, तो उसने ये भी कहा कि अगर प्रकृति में वाइट होता तो हमारे दांत वाइट नहीं होते, प्रकृति वाइट नहीं देती, तो ये जो रूढ़ीवादी परंपरा चली आ रही इससे जो डर है इससे बच्चों के मन से कैसे निकाला जाए, ये सवाल था मेरा। देखिए पहली बात तो ऐसी कोई परंपरा है नहीं, है ना, सफेद कपड़े तो लोग अभी भी पहनते ही हैं, आपको पहनना आप पहने,
लेडीज का जैसे है ना कि वो जैसे वही सफेद कपड़े जो मेरी वाइफ का मानना है वही सफेद कपड़े पहनते हैं जो विधवा होती हैं या ऐसा कुछ है, मतलब शादीशुदा औरतें नहीं पहनती हैं। तो ये मतलब बच्चा ना ये इस बात को समझ नहीं पाता। मैंने समझाने की कोशिश तो किया, तो कैसे समझाया जाए इन सब चीजों को? तो देखिए क्या होता है कि जो सुविधा का हम प्रयोग भी करते हैं उससे हम कुछ चीजों को कम्युनिकेट भी करते हैं, है ना। तो जैसे अगर विवाहित स्थिति में है तो हम एक प्रकार की सुविधा का प्रयोग करते हैं, अविवाहित है तो दूसरे प्रकार की सुविधा का प्रयोग करते हैं, विवाहित हुए और अभी है ना स्पाउस नहीं है तो तीसरे तरह की सुविधा का प्रयोग करते हैं। तो कई बार जिसको अंगहार कहते हैं अंगहारों का प्रयोग किया जाता है ना दूसरे तक कोई संवेद कोई सूचना पहुंचाने के अर्थ में। तो जैसे विवाहित नहीं है तो सिर के ऊपर वो सिंदूर नहीं लगाते हैं, विवाहित है तो सिंदूर लगाते हैं, फिर यदि स्पाउस नहीं रहे तो सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो एक से क्या होता है कि हम सुविधा के प्रयोग से कम्युनिकेट करते हैं समाज में। जो मुद्दा है वो बेसिकली ये है कि इसके साथ हम अगर सम्मान को देखें, अगर सम्मान का भाव हमारा बनता बिगड़ता है तो कठिनाई है। तो सफेद कपड़ों का चयन किया गया एक प्रकार से कि है ना दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट हो जाए, परंतु वो एक रूढ़ी का रूप ले लेता है या फिर उसके साथ कोई गलत भाव जुड़ जाता है जब उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो हमारे अंदर एक पूरकता का भाव भी हो सकता है कि कैसे अब इनके परिवार की व्यवस्था बनी रहे अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है कि उनके स्पाउस नहीं रहे, बट वैसा ना हो है ना और न्याय की दृष्टि हमारी ना हो उनके प्रति, तो फिर वो एक समस्या का रूप ले लेती है। तो आज के दिन देखें तो ऐसा कोई रूढ़ी तो समाज में आज के दिन नहीं दिखाई देता, अभी तो लोग हर तरह कपड़े पहनते भी हैं जी। मुद्दा वहां पे सम्मान का है बेसिकली। अच्छा, तो मतलब ये बच्चे का भी सवाल था, फिर बच्चे ने सवाल किया तो हमारे मन में भी आया कि भाई ऐसा क्यों। तो उस छोटे से जो बच्चा है 8-9 साल का उसको कैसे समझाया जाए कि ये क्या है? मतलब उसको समझाने का मुद्दा नहीं है, थोड़ा सा आपका जो भी प्रश्न आता है ना तो आप बच्चे के प्रश्न को लाते हैं और प्रश्न करते हैं, आपके समझने का मुद्दा है, बच्चे को समझाने का मुद्दा नहीं है। हाँ मतलब मैं समझ जाऊंगा, समझा दूंगा बिल्कुल, तो आपको क्लैरिटी हो है ना। तो सुविधा का जो हम प्रयोग करें, जैसे कपड़े ही हम पहनते हैं, तो जो कपड़ा पहनकर आप कमरे में रहते हैं वो कपड़ा पहन के आप कॉलेज नहीं जाते, घर में तो हम टी शर्ट शॉर्ट्स में रहते हैं, कॉलेज जाते तो शर्ट पैंट पहन लेते हैं या कुर्ता पजामा पहन लेते हैं। नहीं। तो सुविधा का एक निश्चित प्रयोग है। उसमें भी ये जो भेद है वो बेसिकली मुद्दा है। जैसे किसी ने लिखा है कि भाई स्त्री के लिए तो हम ऐसे नियम बनाते हैं, पुरुष के लिए क्यों नहीं। तो वो फिर जब भेद शुरू होता है तो वहां समस्या है। जी जी भैया जी। हाँ, तो मुद्दा ये है कि सम्मान का भाव कैसे सुनिश्चित हो, पूरकता का भाव कैसे सुनिश्चित हो। बढ़िया भैया। हाँ जी भैया जी, समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। कल मैंने मतलब ये न्याय रिलेटेड ही एक बात, एक किताब मेरे हाथ में लगी, जापानीज इकीगाई नाम से किताब थी, आपने भी कभी पढ़ी होगी, बेस्ट सेलर वाली बुक है, छोटी सी, हेराल्ड कोई ऑथर है। तो उन्होंने ये दिया है भैया कि शरीर से अगर आपको न्याय करना है तो आपको कभी निवृत्त ही होना नहीं, निवृत्ति जिसे हम बोलते हैं। और उसने कुछ गुणधर्म दिए कि आपको हैप्पीनेस पाने के लिए हमेशा मतलब स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए और भी मतलब हर जगह काम करते रहना चाहिए। तो भैया हम जो बोल रहे हैं कि काम जो करना है तो ये एक तरह से समृद्धि का तरीका हुआ ना भैया, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए अभी चाहिए के अर्थ में हम बहुत सारे नियम बनाते हैं, तो हमको लगता है कि समाज के साथ जब हम कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हो तो समाज इतनी जल्दी एक्सप्लोर तो कर नहीं पाएगा, परंतु उससे ज्यादा अच्छी स्थिति है कि हम एजुकेशन के माध्यम से समाज में सेल्फ एक्सप्लोरेशन को इंश्योर करें कि हर व्यक्ति अपने आप में जांच पाए समझ पाए। तो जी, अब इसमें तनाव फ्री रहना ही हम चाहते हैं, सहज स्वीकृति हमारी तो रहेंगे ही, दुखी होना चाहते हैं मतलब तनाव से मुक्त होना चाहते ही।
अगर हमको दिखाई दे कि सुविधा से मिलने वाली जो भी संवेदना से जो मिलने वाला सुख है उसकी निरंतरता नहीं है तो हम क्यों अनावश्यक सुविधा भोगेंगे? तो भोजन भी उतना ही लेंगे जितनी आवश्यक है, कपड़ा भी उतना ही प्रयोग करेंगे, मकान भी उतना ही प्रयोग करेंगे। जी जी उनका जो हाँ। चाहिए नहीं, मतलब उन्होंने जो बताया है कि अगर आपको उन्होंने इसी ऊपर दिया एक ही गाड़ी में श्रम की बात की आपने, जो तीसरी बात हाँ, आपने राइट राइट तो, बस बस वही मुद्दा संयम के भाव के साथ श्रम की अनिवार्यता है। जी जी आहार विहार श्रम व्यायाम आसन प्राणायाम औषधि चिकित्सा तो श्रम की आवश्यकता है। ये तो मैंने देखा ओल्ड एज में कई बार ये देखने में आता कि बीमारियां हमारी इससे ज्यादा बढ़ने लगती हैं क्योंकि हम श्रम को रोक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही पॉइंट। तो उन्होंने ये बोला है तो घर में बच्चों को भी, तो बच्चे में भी आप देखें तो श्रम को प्रमोट करने की जरूरत है। अगर हम श्रम को प्रमोट करें तो बच्चों में अनुशासन का भाव भी आता है और बच्चों के अंदर सम्मान भी पड़ता है श्रम के लिए। कई बार हम बच्चों को जब श्रम से रोक देते हैं तो श्रम को हीन दृष्टि से देखना शुरू करते हैं कि श्रम करना कोई छोटा काम है और श्रम करवाना बड़ा काम है, जबकि ऐसा नहीं है। श्रम हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जी इस बात को देखने की जरूरत है। जी अब बताइए। तो उसका सार ये लगा मुझे कि उन्होंने ये बताया कि जापानीज में जो लोग 100+ जी रहे या उसमें है दिया परसेंटेज सारे देश के हिसाब से, तो मेन वहां का हर आदमी आखिरी में 100 वाला भी श्रम करता है, तो उसी कारण ही आगे। तो ये अपना शरीर के साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हमारे यहाँ तो बस लोग बोलते हैं हम 58 हो गए 60 हो गए हम निवृत्त हो गए, हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो श्रम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है ना, और श्रम कर रहे हैं इसलिए शरीर की आय भी बढ़ रही है, ये तो हर जगह आवश्यक है, हम इस पर ध्यान दें करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि चूंकि संबंध नहीं है इसलिए भी श्रम करना पड़ रहा है, कोई हमारे करने के लिए हमारे लिए करने को तो कोई तैयार नहीं है। तो ये भी एक स्थिति है जिसमें सुख नहीं है, है ना, कि हम संबंध पूर्वक नहीं जी पा रहे तो हम इस उम्र में भी अकेले जी रहे हैं, साथ में परिवार नहीं है ना, तीन पीढ़ी साथ साथ नहीं रह रहे हैं जी। अगर 100 की उम्र हो गई तो 4 पीढ़ी भी साथ साथ रह सकते हैं, तो स्थिति नहीं है, इसलिए सारा काम खुद करना पड़ रहा है, तो ये कोई अच्छी स्थिति तो नहीं है, है ना। ज्यादा अच्छा होता कि हम परिवार के साथ मिलजुल कर रहते, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। अब हमारे देश में भी क्या होता है कि परिवार में रह रहे हैं ये तो बात अच्छी है ना, बट जो उसका जो अनिष्ट बात हो रही है वो ये है कि अब एक बार बहू घर में आ गई या एक बार दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई घर में, तो हम क्यों श्रम करें, अब सारा काम उनसे कराना है। अब ये तीनों तरह की स्थितियां दिखाई देती है। तो अगर हम अपने समाज में बात करें जहाँ पे हम लोग परिवार के साथ रहते ही है, तीन पीढ़ी साथ साथ सामान्य रूप से रहते हैं, उसमें बहुत आवश्यक है जो बुजुर्ग है वो भी श्रम करें, इतना श्रम करें कि शरीर से पसीना निकले ताकि स्वास्थ्य भी ठीक रहे और परिवार में जो अन्याय होता है खटपट होती है बहुत सारी जी। वो भी ना हो। अगर हमको लगे कि भाई ठीक है अगला व्यक्ति विवाह करके आया है अब उससे सारा काम कराना है हमें, तो अन्याय तो वहीं से शुरू हो गया, अब हमें काम नहीं करना है, पहले उसे काम कराना है, फिर उसे काम में हमको गलतियां निकालनी है, फिर उसको लेकर हमको गलत व्यवहार करना है। तो जी 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 बढ़िया, बस ये कल मुझे एक आया तो इसलिए मैंने न्याय स्थिति को ठीक ठीक विश्लेषित करने की जरूरत है कि है क्या स्थिति। जी 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 बढ़िया भैया, बहुत 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 बढ़िया, मस्त, धन्यवाद धन्यवाद बढ़िया भैया। जी कंटेंट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं अभी। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है हमारे दुल्हन की दृष्टियों में, तो अनुभव बोध और चिंतन के साथ जो न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि है ये जागृत होती है ना, इससे प्रियहित लाभ की दृष्टि नियंत्रित होती है। तब को दिखता है कि जो सेंसेशन है उसका रोल क्या है, संवेदना का रोल क्या है, तो शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में उसका सदुपयोग है और दूसरे व्यक्ति के साथ सही समझ सही भाव के संवाद के अर्थ में उसका रोल है, है ना, यानी जो मानव मानव संबंध का निर्वाह हो रहा है उसमें उसका रोल है। वैसे शरीर का सदुपयोग क्या है, तो जैसे पहले ही बात हुई संवाद के अर्थ में है, श्रम के अर्थ में है और मानव परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में है। और यदि सुविधा को देखें तो सुविधा का सदुपयोग किस अर्थ में है, तो शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में है, सदुपयोग के अर्थ में है।
सदुपयोग के अर्थ में ही, ज्ञान और समाधान के अर्थ में है, तो ये हमें दिखाई देता है। तो हमारे विचार में अब जो क्रम बनता है अब अलग प्रकार से बनता है। पहले जहां अधिक से अधिक प्रिय को जुटाकर सुखी होने का विचार कर रहे थे, अब उस प्रिय की दृष्टि का हम सदुपयोग करते हैं। जहां शरीर के अधिक से अधिक सुविधा भोग कर हम सुखी होने का विचार करते थे, अब हम शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पाते हैं। और जैसे अभी बात हुई, श्रम बहुत आवश्यक भाग है। श्रम को रोक देने से, कम कर देने से, अभी देखिए बहुत सारे जिम बढ़ते जा रहे हैं, लोग जाके जिम में श्रम कर रहे हैं, घर पे नहीं करेंगे, है ना। हम अगर घर पे झाड़ू पोछा लगाएं, घर के सारे काम खुद करें, पर्याप्त श्रम हो जाता है। आजकल ये ऐप आते हैं जो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करते हैं, है ना। आप मोबाइल अपने पास में रखकर घर में ही देखिए, अगर आप चलते फिरते रहते हैं और ढेर सारे काम करते रहते हैं, 3-4 किलोमीटर तो आप ऐसे ही चल जाते हैं, 3-4 हजार स्टेप्स तो चल ही जाते हैं ना, किलोमीटर और थोड़ा कम हो सकता है। तो इतना सारा अवसर तो बना ही हुआ है। तो अभी जिम बढ़ते जा रहे हैं, अभी है ना हेल्थ के लिए नए नए एवेन्यूज खुलते जा रहे हैं, स्पा बढ़ते जा रहे हैं, और फिर वहाँ पे हम जाते हैं, फिर हम वहाँ पे पैसे लगाते हैं ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, ताकि यंग दिखे, परंतु जो श्रम का भाग है वो नहीं पूरा करते हैं। अभी हम ज्यादातर समय देखें तो गाड़ियों में घूमते हैं, हम पैदल नहीं चलते, साइकिल नहीं चलाते, क्योंकि हमने मान लिया है कि अगर ये सब अभी भी कर रहे हैं तो फिर इतना पैसा कमाकर हमने उपलब्धि क्या हासिल की। अभी ये शहरों में दिखने लगा है ना कि लोग अब एक तरह से, उनको अगर आप सही बात पहुंचाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ उनके पास पर्याप्त सुविधा है, बट फिर करें क्या। तो एक अभ्यास भी बन गया सुविधा को संग्रह करने का, भोग करने का, उसमें लगे रहते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा है कि सुविधाएं कम है तो वहां पे लोगों को सुविधा के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बट शहरों में आप देखें तो ज्यादातर घरों में लोगों ने अनावश्यक बहुत सारी आवश्यकताएं बना ली हैं, है ना, इधर लोन ले लिया, उधर लोन ले लिया, अब उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। जिस सुविधा की आवश्यकता ही नहीं उसका पहले लोन ले लिया, खरीद लिया, उसको भोग करके शरीर को अस्वस्थ बना रहे हैं, फिर लोन चुकाने के लिए तनाव झेल रहे हैं, ऑफिस में खटपट चल रही है, ना शोषण हो रहा है, उसको सहन कर रहे हैं और ये सब चल रहा है। तो एक समग्र दृष्टि की जरूरत है जी। बढ़िया भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो इस प्रकार से तुलन की दृष्टि हमारी नियंत्रित होती है। तो सत्य धर्म और न्याय की दृष्टि के साथ प्रियहित और लाभ की दृष्टि नियंत्रित होती है। तो सत्य का मतलब है कि मुझे अस्तित्व दिखाई देता है, मुझे दिखता है कि प्रकृति कैसे शून्य में, व्यापक में संपृक्त है। धर्म की दृष्टि के साथ, धर्म की दृष्टि हमारे में जागृत होती है जब हमें व्यवस्था दिखाई देती है, प्रकृति की चार अवस्थाएं कैसे स्वयं में व्यवस्थित है। और वैसे ही हमारे में न्याय की दृष्टि जागृत होती है जब संबंध का चिंतन होता है। तो जो सत्य की दृष्टि है वो अस्तित्व के अनुभव का प्रमाण है, जो ऑथेंटिकेशन ऊपर लिखा था ना, कल प्रश्न भी आया था कि ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या है, इंग्लिश सेशन में आए थे प्रश्न। तो जो सत्य का अनुभव हुआ हमें, सत्य मतलब अस्तित्व से अस्तित्व है, इसी को सत्य कह रहे हैं, संपृक्तता को ही सत्य कह रहे हैं। तो उसका प्रमाण हमें किस रूप में मिलता है, तो विचार में अब सत्य की दृष्टि जागृत होती है कि नहीं। वैसे ही व्यवस्था का बोध हुआ, उसका प्रमाण हमें कैसे मिलता है, संकल्प के रूप में किस प्रकार से मिलता है, तो हमारे अंदर धर्म की दृष्टि जागृत होती है। और संबंध का चिंतन हुआ, उसका प्रमाण किस रूप में मिलता है, तो हमारे अंदर न्याय की दृष्टि जागृत होती है। उसके साथ फिर हम प्रियहित लाभ की दृष्टियां हमारे अंदर जो पहले से बनी हुई है वो नियंत्रित होती हैं और उनका हम सदुपयोग कर पाते हैं। तो जो अभी बात हुई कि सुविधा के पोषण संरक्षण, मतलब शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में हम प्रिय की दृष्टि का सदुपयोग करते हैं, व्यवहार में, कार्य में, दूसरे के साथ ज्ञान समाधान को शेयर करने में, सही भाव शेयर करने में इसका हम सदुपयोग कर पाते हैं। वैसे ही जब हमारे अंदर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जागृत होती है तो संयम के भाव के साथ सुविधा का चयन करते हैं, शरीर का स्वास्थ्य बना के रखते हैं, सुनिश्चित कर पाते हैं। जो हित की दृष्टि है वो स्वास्थ्य में परिणत हो जाती है। और वैसे ही हमको है ना
समृद्धि का अर्थ समझ में आता है, सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट होती है, तो हम जो सुविधा का चयन करते हैं वो शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के अर्थ में करते हैं, और हम प्रकृति का भी संवर्धन संरक्षण सदुपयोग करने के अर्थ में करते हैं। तो एक तरफ हमारे शरीर का पोषण संरक्षण सदुपयोग हो, दूसरी तरफ प्रकृति का भी संवर्धन संरक्षण सदुपयोग हो, इस अर्थ में लाभ की दृष्टि परिणत हो जाती है। उस अर्थ में हम व्यवस्था के अर्थ में, समाज की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था के अर्थ में सुविधा का सही सही चयन कर पाते हैं। जी बढ़िया भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। यही बात हो रही थी जो अभी पिछले स्लाइड में था, कि कैसे सत्य धर्म और न्याय की दृष्टि के साथ प्रिय हित और लाभ की दृष्टि नियंत्रित होती है। जी नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि आशा के स्तर पर क्या परिमार्जन होता है। तो अभी अगर देखें तो जो हमारे अंदर चयन आसाधन हो रहा है वो रुचि मूलक विधि से हो रहा है ज्यादातर समय, और वो अनियंत्रित रहता है। तो हम जो संवेदना मिल रही है उसी को सुख का आधार मान लेते हैं, और उसमें ही उसको आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाते जाने के लिए ना, उस भिन्न भिन्न प्रकार को जोड़ने के लिए हम बहुत सारा विचार कर रहे होते हैं, बहुत सारा कल्पना कर रहे होते हैं। कभी अनगाइडेड है जो आस्वादन है, दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाए, शरीर से अनुकूल संवेदना मिल जाए, इस अर्थ में ही प्रवृत्त रहता है। तो मान्यता या संवेदना का दबाव बना रहता है, इस अर्थ में क्रियाशील रहते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड लगाइए भैया। परंतु जब अच्छा HB लिखा था, HB मतलब ह्यूमन बीइंग। परंतु जब हमारे अंदर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जागृत होती है तो जो रुचि मूलक का आस्वादन है वो लक्ष्य मूलक का आस्वादन, भाव मूलक का आस्वादन से नियंत्रित हो जाता है। तो हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, विवेक जागृत होता है तो मानव लक्ष्य की स्पष्टता बनती है। तो जो भी अब मैं चयन आस्वादन करता हूँ मानव लक्ष्य के अर्थ में करता हूँ, और मेरे अंदर मानव लक्ष्य की पूर्ति का सुख बना रहता है। ये जो मैं चयन कर रहा हूँ, चयन करने से पहले ही मुझे इसका सुख मिलता रहता है। मानव लक्ष्य मुझे स्पष्ट है, उसी अर्थ में मुझे चयन करना है, ये मुझे स्पष्ट रहता है। वैसे ही संबंध स्पष्ट रहता है, मेरे अंदर सही भाव सुनिश्चित रहते हैं, उसका मैं हर क्षण आस्वादन कर रहा होता हूँ। तो चिंतन बोध अनुभव के जागृत होने के साथ साथ मेरे अंदर ये दो आस्वादन बने रहते हैं, एक तो मानव लक्ष्य की पूर्ति का आस्वादन, दूसरा सही भाव का आस्वादन। अब उसके साथ में फिर चयन करता हूँ तो जो भी शरीर से संवेदना आ रही है उसका मैं सदुपयोग कर पाता हूँ, और सदुपयोग के लिए बताया कि शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग करते में उसका मैं है ना सदुपयोग कर पाता हूँ। तो जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमें आस्वादन के रूप में मिल रहा है उसका मैं सदुपयोग करता हूँ। तो अभी जैसे हम एक दूसरे संवाद कर रहे हैं, शब्द तो मिल ही रहा है ना, इसका सदुपयोग कर रहे हैं। ये जो सामने स्लाइड है इसका एक रूप बना हुआ है, कहीं पीला रंग है, कहीं पर्पल है, कहीं व्हाइट है, कहीं ब्लैक है कि नहीं, इसमें भी एक रूप है, इसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं। वैसे हम जो रस लेते हैं भोजन में, जो रस लेते हैं उसका भी हम सदुपयोग कर पाते हैं शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में। जो गंध लेते हैं उसका भी हम सदुपयोग कर पाते हैं। अभी देखिए लोग परफ्यूम लगाते हैं, डिओडोरेंट लगाते हैं, और इतने महंगे महंगे आते हैं, इसलिए इतना सारा सुविधा खर्च करते हैं। अगर थोड़ा सा आपका अवेयरनेस बढ़ जाए तो आपको दिखाई देता है कि ये असहज है, इतना सारा गंध प्रयोग करने की क्या जरूरत है। शरीर स्वस्थ रहे अच्छी बात है, तो हम इतना सारा गंध तो लगाते हैं बट जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन होता है उसमें सुख नहीं दिखाई देता। तो हम अगर इन बातों को समझ पाते हैं तो हम सहज से सुखी रहते हैं। वो सुख हमारे चेहरे पे एक स्फूर्ति के रूप में दिखाई देता है, हमारे आचरण में एक स्फूर्ति के रूप में दिखाई देता है। तो उसके लिए इतना सारा रंग रोहन करने की जरूरत नहीं है, तो हम इनका ठीक से सदुपयोग कर पाते हैं। जी इतनी बातें हमें स्पष्ट होती हैं। इस पे यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते।
सर अगर हम बोध से मैं अगर दूसरे सेल्फ के साथ कुछ कंटेंट के रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं तो वो मानने के लिए तैयार ना हो तो उसमें हम लोगों की कॉम्पिटेंसी में फर्क है या फिर उसको हम किस चीज में कैसे उसको समझा सकते हैं भाई वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो कंटेंट को तो वो मजाक उड़ाता पर दुख तो नहीं रखता खुशी तो वो मेरी हारमोनी में कोई फर्क नहीं आता पर उसका बिहेव व्यवहार मेरे से बदलने लगता ऐसे लग रहा है कि मैं गुड मॉर्निंग भी करूंगी तो वो कहीं छुप जाता है या फिर ऐसे इग्नोर करने लगता तो इसमें हम लोग जब भागीदारी निभाने जाते हैं तो हमारे में ऐसे दूसरों के प्रति जो दूसरे का व्यवहार है वो हमारे व्यवहार के साथ एक कंट्राडिक्शन का ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। देखिए ये संभावना है कि अभी तक जिस तरह से हम व्यवहार करते रहे उसमें अनिश्चितता रही हम दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने में लगे रहे और अब हमको ये प्रस्ताव ध्यान में आया है तो ये प्रस्ताव जब दूसरे के सामने रखने भी जाते हैं तो वो तो हमको हमारे पुराने संस्कारों के साथ जोड़ कर देखता है। अच्छा तो हमारा मूल्यांकन तो वो उसी के साथ जोड़ कर करेगा ना उनको लगा ठीक है इनको कोई नई बात सुनने में आई है ये भी हो सकता है कि अभी भी जब हम कोई बात कह रहे हैं तो आपने कहा ना तो उसमें ऐसा हो सकता है हमारा अप्रोच दूसरे को मनवाने का है कहीं हम दूसरे को मनवा कर उससे कोई सम्मान पाकर हो सकता है सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं ये भी हो सकता है अगले कम्युनिकेट होता रहता है तो अगला हमको अवॉइड करता है या हमारा तिरस्कार करता है तो दूसरे को मनवाने का मुद्दा ही नहीं है दूसरे को मनवाने का मुद्दा नहीं है ना दूसरे के साथ संबंध के भाव को शेयर करने का मुद्दा है हमारे अंदर संबंध का भाव होगा तो वही तो शेयर करेंगे वो संबंध में पार्टिसिपेशन करने का मन करता है पर वो अगला तो हम मजाक में और टाइम पास करने के लिए अलग से ऐसे अपनी भाई जी चुराने लगता है नहीं 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 इस मुद्दे पर नहीं कोई और मुद्दा है तो उस पे हम बात करते हैं जी तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं किस विधि से कर रहे हैं ये सब भी देखने की बात है तो अभी आपके पास जो भागीदारी का अवसर है पहले उसका सदुपयोग करें उसमें बहुत सारा मूल्यांकन होगा जी जी जी, जी। अभी आपने शेयरिंग वाले में कहीं लिखा है कि मैंने दूसरे से बात की और दूसरे ने मेरी आवाज को पहचाना है ना और उसको हाँ, तो बहुत अच्छा भाव रुकिए अभी रुक जाइए अभी यहाँ पे गलती किस प्रकार से हो रही है तो आपने कॉल किया किन्हीं को और उन्होंने आपकी आवाज को पहचाना और आपको बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने उनको मेरा नाम पता है इनको मेरे द्वारा किए गए शेयरिंग और प्रश्न पता है ये फिर हम कहीं ना कहीं दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने में लगे हैं बिल्कुल सही सर जी वहां पर हम हार्मनी में जाते हैं और जब ऐसे होता है तो हम डिसहार्मनी में हो जाते हैं जी बिल्कुल सही सर तो इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें बढ़िया तो सर वो पार्टिसिपेशन को हम कंटिन्यू रखें शायद किसी ना किसी टाइम में तो क्या पता हो जाएगा पहले जो स्वयं में करने वाला काम है ना इसको ठीक से करें हमारे आचरण में निश्चितता दिखाई दे ये क्या होता है फिर दूसरे को प्रभावित करके कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर शासन का भाव हमारे अंदर आ जाता है पहले हम एक प्रकार से शासन कर रहे थे सुन लीजिए इसको पहले हम एक प्रकार से शासन कर रहे थे हम दूसरे प्रकार से शासन कर रहे हैं बिल्कुल सर सही जी एक प्रश्न है बनीषा जी का एक्सपेक्टेशन पावर इज ओनली रेलिवेंट टू द बॉडी फॉर टेस्टिंग एंड सिलेक्टिंग और इट हैज एनी रोल इन सेल्फ डेवलपमेंट बिल्कुल सेल्फ डेवलपमेंट रोल है तो ये जो हम चयन भी कर रहे हैं वो चयन हम आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं शरीर को संकेत देने का बट जब शरीर को संकेत नहीं दे रहे हैं तो भी तो चयन कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो क्रियाशीलता बनी हुई है उसमें चयन एक भाग है तो हम अपने अंदर जो आस्वादन करने के लिए भी चयन कर रहे हैं वो लक्ष्य के लिए मूल्य के लिए कर रहे हैं या फिर अनुकूल संवेदना पाने के लिए कर रहे हैं तो शरीर का सदुपयोग हम कर रहे हैं शरीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है और शरीर के साथ जो हमारी संवेदना या सूचना का आदान प्रदान हो रहा है उसको हम अब धीरे धीरे लक्ष्य के अर्थ में मूल्य के अर्थ में चयनित कर पाते हैं जी सेल्फ डेवलपमेंट रोल तो है ही
अभी जैसे हम सुबह का सत्र भी कर रहे हैं, इसमें हम चयन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, तो सेल्फ डेवलपमेंट हो भी रहा है, तो बिल्कुल रोल है, निश्चित रोल है जी। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। नमस्ते भैया। नमस्ते। स्लाइड भी लिखा था ना, न्याय धर्म सत्य, इससे जब हमारी हित प्रिय लाभ की दृष्टि जो है वो गाइडेड हो जाती है, तो यहाँ पर जो हम हित की या प्रिय की बात करते हैं वो शरीर सापेक्ष होता है ना, और हित जो है वो शायद बॉडी, प्रिय जो है वो इंद्रिय सापेक्ष है, संवेदना सापेक्ष है, इंद्रिय सापेक्ष कहना ज्यादा ठीक है। हाँ, इंद्रिय सापेक्ष तो हमारा जो प्रिय है जी, और शरीर सापेक्ष जो है वो हित है जी, और लाभ क्या हुआ भैया? सुविधा सापेक्ष। अच्छा, सुविधा सापेक्ष। तो अगर मैं अपनी धर्म सत्य और न्याय इनकी दृष्टि में जागृत हूँ, यानी मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें मैं अपने में एक विचार को हर समय धारण करके रखता हूँ और सह अस्तित्व को ही देख पा रहा हूँ, और तो इससे अगर मैं शरीर के सापेक्ष अपने आप को देखूं, यानी जो मेरी प्रिय वाली जो सेंसेशन है, जो मेरी इंद्रिय सापेक्ष सेंसेशन है, वो मेरे शरीर के पोषण के अर्थ में हमेशा बनी रहेंगी, यानी मैं अपने जो शरीर का जो स्वास्थ्य है उसके सापेक्ष में हर पल लक्षण अवेयर रहूंगा, ऐसा ही कुछ है भैया? चयन ही इस अर्थ में करूंगा मैं, आप जो भी संवेदना आती है उससे मुझे शरीर की स्थिति का पता चलता है और शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में उसका मैं सदुपयोग करता हूँ। तो जैसे सुबह उठे संवेदना जिस प्रकार से आती है तो पता लगे मल का त्याग करना है, फिर उसमें और है ना क्या क्या आहार या द्रव डालना है उसको हम चयन करते हैं, दिन भर हमारे अंदर शरीर के प्रति संयम का भाव बना रहता है, उसके साथ ही हम शरीर को रखने उठाने बिठाने लिटाने है ना खिलाने पिलाने सबका चयन करते हैं, तो जो संयम का भाव है हमारे अंदर हर क्षण बना रहता है, आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को संकेत देता हूँ, संबंध का भाव हर क्षण बना रहता है, जब भी विनिमय करता हूँ तो विनिमय जब भी करता हूँ वह सुख के अर्थ में करता हूँ, वह समृद्धि के अर्थ में करता हूँ जी। सुविधा का जो यूज कर रहा हूँ वो भी उसी बहुत लिमिटेड ही कर रहा हूँ, ये शायद कर रहे हैं, लिमिटेड तो होता ही है, आवश्यक कर रहे होंगे, उसको कम करने की जरूरत नहीं है, ठीक ठीक पहचानने की जरूरत है। अच्छा, मैं अपनी सुविधाओं को बहुत ठीक पहचान चुका हूँ, सुविधा मुझे रिक्वायर्ड है जी, अब हमको दिख जाएगा शरीर को इतना रंग रोहन करने की आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेंगे, अब पहले लगता था कि इसका कष्ट है, इसको रंग रोहन को छोड़ना है, अब दिखता है छोड़ना क्या है, इसको कर ही क्यों रहे थे जी 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 जी। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद। बढ़िया भैया जी, तो लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक आस्वादन के साथ अगर हम देखें जो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के आधार पर है, जो चिंतन बोध और अनुभव की जागृति के आधार पर है, तो ये दो चीजें हमको दिखता है कि किस प्रकार समान है। तो लक्ष्य मूलक का मतलब क्या हुआ, तो सहस्तित्व और व्यवस्था हमको दिखाई दे रही है, सहस्तित्व में हमें पूरी प्रकृति किस प्रकार शून्य में संपृक्त है ऐसा दिखाई दे रहा है, जिससे मेरा स्वयं में जागृति की पूर्णता हो रही है ना अनुभव की क्रिया के साथ। व्यवस्था जो स्पष्ट होता है तो उसके साथ जो संकल्पित होते हैं हम व्यवस्था की स्पष्टता के साथ बोध के साथ, तो पूरी कल्पनाशीलता को किस प्रकार लगाना है व्यवस्था के अर्थ में, सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा के अर्थ में, उस अर्थ में फिर ये नियंत्रित निश्चित होता है। और मूल्य मूल्य को देखें तो जो हमें भाव स्पष्ट हुए चिंतन में उसके साथ या स्वादन हमारा नियंत्रित होता है। तो लक्ष्य मूल्य के साथ जो सत्य और धर्म की दृष्टि बनी और मूल्य मूल्य के साथ जो संबंध की दृष्टि बनी उसके साथ अब हम जो आस्वादन कर रहे हैं, जो रुचियां ले रहे हैं, वो नियंत्रित होते हैं, वो व्यवस्था के अर्थ में प्रवृत्त होते हैं जी। ये बात स्पष्ट है।
बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, अगर मैं कोई भी शब्द स्पष्ट ना हो तो आप हैंड रेज कर लीजिए, पूछ लीजिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। खाली इतना ही पूछना था कि अगर हम इंटेंशन सही रख के अगर दूसरा कॉम्पिटेंट नहीं है और हमें उस हद तक नीचे गिरा रहे हैं, हमारी भी कॉम्पिटेंस लो हो रही है, तो हम उसको बरकरार रखें कि हम रिलेशन के लिए उसके लिए झुक जाएं, क्या करें? देखिए अभी ये पूरे प्रश्न ही देखें तो कहीं ना कहीं हमको दूसरे की चाहना पर शंका बनी हुई है, तो इंटेंशन को सही रखते हुए क्यों कह रहे हैं हम? मेरा इंटेंशन सही होता है, दूसरे का इंटेंशन सही होता है। अब दूसरे का व्यवहार कुछ ऐसा हो सकता है कि वो हमारे लिए कुछ अनिष्ट विचार कर रहा है, उसका व्यवहार कर रहा है। अब वो हमें ये भी हमने मान लेना कि दूसरा हमें नीचे गिराना चाहता है, नीचे दिखाना चाहता है, ये सब दूसरे के इंटेंशन पे डाउट है। नहीं, डाउट की बात नहीं है भैया, अगर व्यवहार भी हो रहा है तो समझ में भी नहीं आता है कि उनकी इंटेंशन भी है क्या, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें फिर मुद्दा दूसरा नहीं है, स्वयं है। हमको स्वयं भी स्पष्ट नहीं है कि हर मनुष्य दूसरे को सुखी करना चाहता है। लेकिन हम कहां तक झुके, ठीक है दूसरी बात तो ठीक है, लेकिन हम सोच भी रहे हैं तो हम कहां तक झुके कि हमारी इंटेंशन भी डाउट में आ गई, हमारी कॉम्पिटेंस भी डाउट आ गई, सब कुछ डाउट आ गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हम तो दुखी हो रही हो रहे, अगर मान लो हमें किसी को परवाही नहीं करना है तो हम तो सुखी में रहेंगे। देखिए हम दुखी हो रहे हैं अपने समझ के अभाव से, हमको साफ साफ दिखाई दे, दूसरे के व्यवहार से नहीं। नहीं, उसकी जो पीड़ा होती है ना उसकी बात कर रहे हैं। वही पीड़ा हो रही है समझ के अभाव से, दूसरे अच्छा। का व्यवहार जो है हमारे समझ के अभाव को ट्रिगर कर रहा है। नहीं, वो क्यों नहीं समझ रहा, उसकी बात की ट्रिगर हो रही है, हमारी ट्रिगर, हमारी अनहैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी ट्रिगर हम क्यों नहीं समझा पा रहे उसके हिसाब से हो रही है। आप इस पूरे प्रकरण में अनहैप्पी हैं कि नहीं? नहीं, इसको देख लीजिए, अगर आप अनहैप्पी हैं तो आपको अपनी समझ के लिए काम करना है। हाँ, अनहैप्पी नहीं है, खाली खाली वो क्या बोलते हैं, क्यों नहीं समझा पा रहे उसकी खाली एक सोच है, उसके बारे में, उसके लिए हम नहीं है। अभी आपने जहाँ से शुरू किया, समय हो चला है, जहाँ से आपने शुरू किया, आपको डाउट है कि दूसरा आपको नीचा दिखाना चाहता है, नीचे गिराना चाहता है, ये सब अपने अंदर के डाउट्स है। नहीं, दूसरा अगर ऐसा करना चाह रहे तो हम कहाँ तक नीचे जाए, अगर जाना ही नहीं है तो अलग ही बात है। मैं उस पर ध्यान दिला रहा हूँ आपको कि दूसरा ऐसा चाह नहीं रहा है तो भले दूसरा ऐसा कर रहा हो, और उसमें नीचे ऊपर जाने का मुद्दा नहीं है, संबंध पूर्वक संवाद करने का मुद्दा है। तो दूसरा अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हुए हम भी गलती करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, आप वो नहीं कह रहे, रुक जाइए, इसको थोड़ा और इत्मीनान से देखते हैं, है ना। अभी समय हो चला है, कल आप इस प्रश्न को लेकर आए और बात कर लेंगे इस पे। ठीक है, धन्यवाद। तो आज हम लोगों ने तुलन की छह दृष्टियों पे बात किया और तीन प्रकार के आस्वादन पे डिस्कशन किया। इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, इसमें काफी कुछ स्कोप मिलेगा अपने आप में ऑब्जर्व करने के लिए। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।